गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और आज का जो मेरा टॉपिक है थर्मलिक्स इन माइक्रोमोशन स्टडी। इसके पहले की क्लास में मैंने माइक्रोमोशन सब्जेक्ट को डिफाइन किया था और उसके ओरिजिन के बारे में जाना था, उसका पर्पस क्या है उसको समझा था। मैंने बताया था कि टेक्निक ऑफ माइक्रोमोशन स्टडी वाज ओरिजिनेटेड बाय बी फ्रैंक गिलब्रेथ एंड अकॉर्डिंग टू दी गिलब्रेथ देर आर 17 थर्मलिक्स। सो टुडे मैं इन्हीं 17 थर्मलिक्स के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। सो लेट अस एक्सप्लेन। यहाँ पर मैंने 17 थर्मलिक्स को एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके थर्मलिक सिंबल को मैंने उसको यहाँ पे डायग्राम के द्वारा शो किया है। सो यहाँ पे अब मैं एक वन बाय वन करके थर्मलिक्स के मीनिंग को डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फर्स्ट में यहाँ पे है सर्च एंड फाइंड, जिसका सिंबल मैंने दिखलाया है। सेकंड है सिलेक्ट, थर्ड है ट्रांसपोर्ट इम्पटी, फोर्थ है ग्रास्प, फिफ्थ है होल्ड, सिक्स्थ है ट्रांसपोर्टेड लोड, सेवन्थ है रिलीज लोड, एट्थ है पोजिशन, नाइन्थ प्रीपोजिशन, टेंथ इंस्पेक्ट, इलेवन असेंबली, ट्वेल्व डिस असेंबल, थर्टीन यूज, 14 अनअवॉइडेबल डिले, 15 अवॉइडेबल डिले, 16 प्लान एंड 17 रेस्ट। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स एंड सिंबल कलर आर डिफाइंड। दैट मीन्स सर्च एंड फाइंड का जो कलर होता है वो ब्लैक एंड ग्रे होता है, स्लेट का जो होता है वो लाइट ग्रे होता है, ट्रांसपोर्ट इम्पटी का जो होता है वो डाइव ग्रीन होता है, ग्रास्प का होता है रेड, होल्ड का गोल्ड, ट्रांसपोर्टेड लोड का होता है ग्रीन, रिलीज लोड का होता है सरमाइन रेड, पोजीशन का होता है ब्लू, प्रीपोजीशन का होता है पेल ब्लू, इंस्पेक्ट का होता है बर्नेट ऑर्च, असेंबली का होता है वायलेट, डिस असेंबल का होता है लाइट वायलेट, यूज का होता है पर्पल, एन अवॉइडेबल डिले का होता है येलो, अवॉइडेबल डिले का होता है लेमन येलो, प्लेन प्लान का होता है ब्राउन एंड रेस्ट का होता है ऑरेंज। सो इस तरह से कलर को भी डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। नाउ सबसे फर्स्ट जो मेरा है सर्च एंड फाइंड, अब इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी इसको कंसिडर करके समझाऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझाऊंगी। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको थर्मलिक्स का जो 17 जो थर्मलिक्स है वो आपको क्लियर हो सके। नाउ फर्स्ट में है मेरा सर्च एंड फाइंड। सर्च द ऑब्जेक्ट विथ आईज और हैंड्स और बोथ टिल द ऑब्जेक्ट इज फाउंड। मैंने यहाँ पे सर्च एंड फाइंड दोनों को एक ही थर्मलिक्स में लिया है। किसी किसी बुक में दोनों को अलग अलग कंसिडर करता है, सर्च को पहला और सेकंड को फाइंड। सो इस तरह से 18 थर्मलिक्स वहां पे दिखाए जाते हैं, लेकिन मैंने सर्च एंड फाइंड को एक ही टॉपिक में लिया है, इसलिए मैंने यहाँ 17 थर्मलिक्स के बारे में चर्चा किया है। नाउ सर्च, इसमें ऑब्जेक्ट को तब तक आईज हैंड्स और दोनों द्वारा सर्च करते हैं तब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता, जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता तब तक उसको हम सर्च करते हैं। नाउ सेकंड है सिलेक्ट, वस्तु का चयन खोज द्वारा किया जाता है। टू लोकेट द ऑब्जेक्ट बाय आईज और हैंड्स और बोथ, दैट मींस सर्च को कंटिन्यूअस रखते हैं जब तक कि प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं हो जाता। सो दैट इट इज इन जनरल प्रैक्टिस टू कंबाइन दीज टू आर कॉल्ड इट सिलेक्ट ट्रांस देयरफॉर मींस एंड सर्च। दैट मींस सिलेक्शन आईज और बोथ या हैंड्स द्वारा हम लोग सर्च एंड फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को। नाउ ट्रांसपोर्ट इम्पटी, ट्रांसपोर्ट इम्पटी आफ्टर लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट द इम्पटी हैंड्स आर मूव टूवर्ड इट। ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खाली हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं, मींस मुट्ठी को खोलते हैं और हाथ में लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हाथ में लेते हैं। सो ओपन फर्स्ट
फिस्ट एंड टेक द ऑब्जेक्ट इन हैंड. नाउ ग्रेस्प के बाद क्या करते हैं, हम लोग होल्ड करते हैं. आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज कम विद इन द फिंगर और ग्रेस्प, और हाथ में इसे बनाए रखने के लिए मजबूती से पकड़ते हैं. होल्ड इट फर्मली टू रिटेन इट इन हैंड. नाउ ट्रांसपोर्ट लोडेड, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को मजबूती से पकड़ने के बाद इसे काम के स्थान पर ले जाया जाता है. मीन्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज होल्ड फर्मली इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ वर्क. नाउ रिलीज लोडेड, उसके बाद क्या करते हैं, अनलोड द हैंड, हाथ को अनलोड करते हैं. मीन्स जो मेरा हाथ में जो ट्रांसपोर्टेड का मटेरियल था उसको क्या करते हैं, अनलोड करते हैं. नाउ एर्थ में क्या करते हैं, पोजिशन, पोजीशन को पी से, यहां पर मैंने दिखाया डिफरेंट डिफरेंट सिंबल से, रिसर्च को एस एच से, सिलेक्शन को एस से, ट्रांसपोर्ट इंपर्टी को टी से, ग्रेस्प को जी से, होल्ड को एस से, ट्रांसपोर्ट लोडेड को टीएल से, रिलीज ऑफ लोडेड को आरएल से. सिमिलरली पोजीशन, पोजीशन में क्या करते हैं, लोकेट द ऑब्जेक्ट एट सम प्री प्लान्ड पोजीशन, किसी पूर्व नियोजित स्थिति पर वस्तु को लोकेट करते हैं, प्लेस इट प्रॉपर पोजीशन. नाउ नाइन्थ में मेरा है प्रीपोजिशन, दैट मीन्स लोकेट द ऑब्जेक्ट एट सेम प्री प्लांट पोजिशन. इसमें क्या करते हैं हम लोग, लोकेट द ऑब्जेक्ट एट सम प्री प्लांट पोजिशन, किसी पूर्व नियोजित स्थिति पर वस्तु को लोकेट करते. उससे पहले मैंने क्या किया था पोजिशन में, आफ्टर रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम हैंड उसे उचित स्थान पे रखते हैं, हाथ से जो ऑब्जेक्ट को वो फ्री करने के बाद क्या करते हैं उसे उचित स्थान पर रखते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, लोकेट द ऑब्जेक्ट एट सम प्री प्लान पोजीशन, दैट इज किसी पूर्व नियोजित स्थिति पर वस्तु को लोकेट करते हैं. नाउ इंस्पेक्ट, आफ्टर फिक्सिंग द ऑब्जेक्ट एट प्री प्लान पोजीशन उसके स्टैंडर्ड साइज शेप इत्यादि को वेरीफाई करने के लिए निरीक्षण किया जाता है, ताकि हम उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कंफर्म हो जाए. दैट इज इंस्पेक्शन इज डन टू वेरीफाई स्टैंडर्ड साइज शेप इटीसी टू बी श्योर अबाउट इट कन्फर्मेंस टू द स्पेसिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट मेरा पॉइंट है असेंबली, असेंबली में क्या करते हैं हम लोग, असेंबल द ऑब्जेक्ट विथ अदर पार्ट्स, दैट इज हम लोग क्या करते हैं, अन्य भागों के साथ वस्तु को असेंबल करते हैं. ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होता है, असेंबल या डिसअसेंबल, हमको जैसा जरूरत पड़े उसके अनुसार से हम लोग ऑब्जेक्ट का असेंबल या डिसअसेंबल करते हैं. डिसअसेंबल और सेपरेट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर. नाउ यूज, उसके बाद क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, यूज द टूल डिवाइस और अपैरेटस. नेक्स्ट है अनएवॉइडेबल डिले, जो 14th मेरा जो थर्बलिक्स है वो क्या है, अनएवॉइडेबल डिले. अनएवॉइडेबल डिले जो होता है वो अनइंटेंशनल एंड अनएवॉइडेबल डिले ड्यू टू फेलियर ऑफ द मशीन इटीसी, दैट मीन्स ये जो है वो किसी अनजाने और अनएवॉइडेबल कारणों से, मीन्स अपरिहार्य कारणों से देरी हो सकती है, जैसे मशीन की विफलता के कारण, ड्यू टू फेलियर ऑफ द मशीन उसमें डिले हो सकता है. नेक्स्ट मेरा अवॉइडेबल डिले, देर में भी यहाँ पे जो अवॉइडेबल डिले है वो कुछ देरी हो सकती है जिससे हम लोग अवॉइड या अवॉइड किया सकता था, जिसका कारण ऑपरेटर की लापरवाही भी हो सकती है. दैट इज देर में बी सम डिले विच कुड हैव बीन अवॉइडेड एंड इज ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपरेटर, मीन्स ऑपरेटर की लापरवाही से यहाँ पे जो डिले हुआ उसको हम लोग अवॉइड करके चल सकते हैं. नाउ सेवंथ में है प्लान, थिंकिंग अर्लियर और अहेड अबाउट द प्रोसीड्यूर, दैट मीन्स किसी कार्य को करने के लिए पहले की गई प्रक्रिया या विधि के बारे में सोचते हैं, या उसके बारे में हम लोग जो है वो थिंक करते हैं कि पहले जो मैंने प्रक्रिया किया था वो किस तरह से किया था. सो इस तरह से मैंने प्लान के बारे में बताया. नाउ लास्ट है 17th जो थर्मलिक्स है वो मेरा रेस्ट है. रेस्ट है मतलब काम करने के कारण होने वाली थकावट को दूर करने के लिए कार्यकर्ता को अनुमति जाती है रेस्ट करने के लिए. फॉर ओवरकमिंग द फैटिग काउज्ड ड्यू टू वर्किंग अ रेस्ट इज अलाउड टू द वर्कर. सो इस तरह से मैंने आपको 17th थर्मलिक्स के बारे में बताया. इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर किया है.
सो मेरा जो क्वेश्चन है, लेट अस सपोज दैट अ टर्निंग ऑपरेशन हैज टू बी कैरिड आउट ऑन ए सिलिंड्रिकल वर्कपीस. वी शैल डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज नीडेड टू accomplish the turning operation with the help of the activities needed to accomplish the turning operation with the help of the thermix. यहाँ पे मैंने एक turning operation को लिया है जिसमें कि हम लोग cylindrical workpiece पे काम करेंगे. So all the activities को, उस turning operation के all the activities को विद द हेल्प ऑफ थर्मलिंक्स हम लोग कैसे शो करेंगे, इसको मैं इस एग्जाम्पल में समझा रही हूँ. सो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च एंड फाइंड करेंगे, मीन्स मटेरियल का सर्च करेंगे और फाइंड करेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उस मटेरियल का, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च एंड फाइंड करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे उस मटेरियल का, हम लोग सिलेक्शन करेंगे. सो सिलेक्शन करेंगे, उसके लिए क्या चाहिए हम लोग को, ट्रांसपोर्ट इम्पटी, मीन्स थर्ड जो मेरा है वो ट्रांसपोर्ट इम्पटीज, टू ब्रिंग इट टू द लेथ फॉर टर्निंग ऑपरेशन. द ऑपरेटर हैज टू एक्सटेंडेड हिज एम्पटी हैंड. दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट को अपने हाथ में, मीन्स अपने खाली हाथ में लेने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ाते हैं, मीन्स खाली हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं. इसको ट्रांसपोर्ट हम लोग इम्पटी द्वारा शो करते हैं. नाउ क्या करते हैं उसके बाद, ग्रैप्स, ही शुड ओपन हिज होल्ड फर्स्ट एंड कैच द ऑब्जेक्ट. अपने हाथ को वो खोलेगा और उस ऑब्जेक्ट को कैच करेगा. नाउ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लोडेड, सॉरी पहले उसको होल्ड करेगा एंड देन होल्ड इट फर्मली, उसको मजबूती से पकड़ेगा इन हैंड्स, दैट इज होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन हैंड्स. उसके बाद क्या, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, फिजिक्स में ट्रांसपोर्ट लोडेड, आफ्टर होल्डिंग इट द हैंड विल कम बैक टू द प्लेस ऑफ ऑपरेशन. उसको पकड़ने के बाद जहां मेरा ऑपरेशन की प्रक्रिया होगी वहां पे इसको वो ले जाएगा, मीन्स ट्रांसपोर्टेड लोडेड. नाउ रिलीज लोडेड, द ऑब्जेक्ट विल बी रिलीज फ्रॉम हैंड एंड विल बी क्लैम्प्ड इन द चक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था वहां पे, फॉर उसको करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए क्या करेगा वो, रिलीज द लोड, लोड को रिलीज करेगा, मीन्स वहां को उसको लोड को वहां पे रिलीज करेगा और उसको चक में क्लैम्प्ड करेगा. नाउ उसके बाद क्या करेगा, क्लैम्प्ड करेगा और उसका पोजीशन जो है वो वहीं से वो डिफाइन करेगा कि किस पोजीशन में उसको हम लोग को उसको ये क्लैम्प्ड करना है. नाउ नाइन्थ में मेरा है प्रीपोजिशन, इट मीन्स एट मे हैव टू बी रोटेटेड टू ए प्री प्लांट पोजिशन, मीन्स इट मे हैव टू बी रोटेटेड टू ए प्री प्लांट पोजिशन, मतलब उसको पहले से जो हम लोग का जो प्लानिंग था उसको किस तरह से रोटेट करना है ताकि जो मेरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्री पोजिशन थर्मलिस का यूज करेंगे. नाउ टेंथ में मेरा है थर्मलिस का इंस्पेक्ट, मीन्स उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंस्पेक्ट करेंगे, दैट इज नाउ बिफोर टर्निंग, टर्निंग करने से पहले ऑपरेशन और यूज, इंस्पेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट और टूल और फर्नीचर शुड बी डन. टर्निंग करने से पहले उसका हम निरीक्षण करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का या टूल का जो फिक्स्चर है उसका हम क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे. नाउ उसके बाद क्या करेंगे, इफ नेसेसरी शुड बी कैरिड आउट बिफोर द रिक्वायरमेंट ऑपरेशन, अगर जरूरत पड़े तो उसको असेंबल और डिसअसेंबल करेंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसा रिक्वायरमेंट है उस ऑपरेशन में उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको असेंबल और डिसअसेंबल करेंगे. नाउ 13 यूज करेंगे, उसके बाद यूज द टूल और डिवाइस, उस डिवाइस का यूज करेंगे. देर मे बी और मे नो बी डिले दैट इज अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल इन स्टार्टिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन को स्टार्ट होने में देरी भी हो सकती है और देरी नहीं भी हो सकती है, मीन्स डिले हो भी सकती है और डिले नहीं भी हो सकती है, उसको हम लोग अवॉइड करके चलेंगे जो मेरा 14th और 15th थर्मलिक्स बताता है. नाउ 16 में क्या करेंगे, प्लान करेंगे, व्हाइल द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन प्लानिंग शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोसीड्यूर और ऑपरेशन, ऑपरेशन शुरू हो जाए उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए उस प्रोसीड्यूर या उस ऑपरेशन का क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे. देन नाउ रेस्ट,
उसके बाद क्या करेंगे, रेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑपरेटर आफ्टर ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिपीटेड फॉर कंसिडरेबल टाइम। उसके बाद ऑपरेटर को रेस्ट की जरूरत पड़ेगी ऑल द एक्टिविटीज को रिपीट करने के लिए एट कंसिडरेबल टाइम, कुछ देर के लिए उसको रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। सो लास्ट में क्या होगा, वो रेस्ट होगा। सो इस तरह से मैंने बताया कि टर्निंग ऑपरेशन पे सिलिंड्रिकल वर्कपीस का जो हम लोग को जॉब करना था उसके लिए थर्मलिक्स के अकॉर्डिंग किस तरह से उसके एक्टिविटी को हम लोग उसको 17 थर्मलिक्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सो ईच ऑफ थर्मलिक्स कंज्यूम सम टाइम, जो सारे थर्मलिक्स है वो कुछ टाइम को कंज्यूम करते हैं। By recognizing the thermlicks for any operation, effort could be made to eliminate unnecessary and repetitive activities to reduce the total time of operation. So, इस प्रक्रिया के दौरान अगर हम लोग अननेसेसरी और रिपीटेटिव एक्टिविटीज को रिड्यूस करते हैं तो मेरा जो टोटल टाइम ऑफ ऑपरेशन है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, मीन्स समय की बचत होगी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइक्रो मोशन स्टडी के बारे में आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, एंड फॉर मोर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।